मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। और न्यू चैप्टर में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियोस लास्ट वीडियोस में बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहेगा और कौन कौन सी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं बेसिक डिफिनेशन और बेसिक टर्म्स कौन कौन सी इसमें यूज होंगे, और लास्ट में हम टेस्ट बताएंगे कि कौन कौन से इनफाइनाइट टेस्ट करना है, इनफाइनाइट सीरीज में कैसे टेस्ट किया जाता है और कितने टाइप्स के आपको टेस्ट पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे कि अब देखते हैं यहाँ पे सीरीज क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सीक्वेंस, ठीक है। तो अभी हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा है। तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लेट सपोज मान लेते हैं हमारे पास सीक्वेंस है, लेट एसएन क्या है, आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। आपके पास एसएन सीक्वेंस है एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट करके, कोई भी रियल नंबर का अगर एक सीक्वेंस है उसके एलिमेंट है यहाँ पे यू वन यू टू यू थ्री यू फोर एंड डॉट 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 ऐसे ऐसे करके आपके पास यू वन तक है यहाँ पे एलिमेंट। तो ये क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट और यहाँ पे एन एलिमेंट। इस एंथ एलिमेंट को आप जनरल टर्म्स बोलते हैं और जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बोलते हो। अब सीरीज ये तब तब होगा जब इनके बीच में एक रिलेशन क्या होगा, एक प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री ऐसे अगर आपके पास अगर कोई टर्म्स है तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, एक टाइप का सीरीज है। अब ये जो यू वन है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और या तो नेगेटिव हो सकता है। आप कैसे भी नंबर हो इनको अगर अब ऐसे सीरीज में अगर लिखा जाता है, अगर ऐसे सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक सीरीज है, क्लियर है। तो हमारा सीरीज का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज क्या होगा, सीरीज में क्या होगा पर्टिकुलर एलिमेंट। तो सीरीज को अगर हम अगर डिफाइन करना चाहें तो अगर हमारे पास एसएन कोई सेट ऑफ सीक्वेंस है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, उस रियल नंबर में हर एक एलिमेंट को एडिशन करके यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर डॉट 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 अगर यू वन के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं उसको, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एक सीरीज है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एक सीरीज इस टाइप से, या सिक्वेंस को हम ऐसे सीरीज में यू वन यू टू यू थ्री के फॉर्म में लिखते हैं। आते हैं और जो नेक्स्ट टर्म से आपको डिफाइन करना है, एक फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज क्या होगा, फाइनाइट सीरीज में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसा सीरीज है, एक फाइनाइट सीरीज है। दैट मीन्स अगर आपके पास यू वन यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर ऐसे दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है यहाँ यू एन तक, और यहाँ एन एक क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, एन एक डेफिनेट नंबर है और बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, हमको पता है कि हाँ इतने इसमें टर्म्स हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक फाइनाइट सीरीज है। इरिस्पेक्टिव ऑफ इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, हमें बस फोकस किस पे करना है, इस एन वाली वैल्यू पे। अगर ये नंबर डेफिनेट है, काउंटेबल है या नेचुरल नंबर है, पता है ये सारी चीजें कि हमको हाँ इतने नंबर ऑफ टर्म्स उसमें है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो गिवन सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ सीरीज है वो हमारा क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है। आगे आते हैं हम इसी टर्म्स में इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास एलिमेंट यू वन यू टू यू थ्री अगर ऐसा हो यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे यू एन हो और यहाँ पे एन टेंस टू अगर इनफाइनाइट हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो सीरीज है हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। या यू वन यू टू यू थ्री करके यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट यू एन तक ना लिख के, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर सिंबल नहीं दिया हुआ है तो ऐसे दिया होगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट 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 डॉट, आगे कुछ नहीं लिखा होगा, दैट मीन्स ये बढ़ते जा रहा है टेंस टू इनफाइनाइट। तो ऐसे सीरीज बढ़ती जा रही है, या जनरली आपको बुक में यू वन लिखा रहेगा और एन टेंस टू इनफाइनाइट लिखा रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो सीरीज है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम फाइनाइट सीरीज की बात करें तो नेचुरल नंबर हम बोलते हैं लेस देन टेन, तो कितना हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव सिक्स सेवन एट प्लस नाइन, लेस देन टेन बोला है तो ये कितना हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या है, एक डेफिनेट नंबर देगा सम भी, और ये प्लस जो लास्ट वाला है ये भी एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, और ये काउंटेबल है, टोटल नाइन नंबर्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। और यही अगर डॉट 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 अगर चला जाता है इनफाइनाइट तक तो हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट सीरीज। आगे आते हैं हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स में देख लेते हैं सबसे पहले है क्या, एक्चुअली में ये पॉजिटिव टर्म्स की बात क्या कर रहा है। हमारे पास क्या है, टर्म्स दिए रहेंगे बहुत सारे, जो यू वन यू टू यू थ्री ये है,
ये U1 क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, तो U1 को हम क्या बोलते हैं, इज द फर्स्ट टर्म्स, U1 है हमारा फर्स्ट टर्म्स, U2 सेकेंड टर्म्स, ठीक है, U2 क्या है आपका सेकेंड टर्म्स है, एंड सो ऑन, क्लियर है। तो आपके पास अगर बहुत सारे टर्म्स हैं और यहाँ पे ये U1 और U2, U3 जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे, U1, U2, U3, ये सारे के सारे टर्म्स अगर ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव टर्म्स है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हम बोलेंगे तब जब क्या हो, यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट हो, ठीक है, एलिमेंट क्या हो, U1, U2, U3, एक ऐसा सीरीज फॉर्म कर रहे होंगे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो सीरीज दिया हुआ है वो सीरीज है गिवन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया कि जो U1, U2, U3 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऐसे सीरीज को बोलेंगे। आते हैं हम आगे नेक्स्ट में, पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस। तो पार्शियल सम और इस सीक्वेंस में हम आते हैं। अब एक्चुअली में ये होता क्या है, पार्शियल सम और इस सीक्वेंस, तो सबसे पहले देखते हैं हम पार्शियल सम क्या होता है। सपोज अगर आपके पास एक U1 एलिमेंट है और एक U1, U2 है, U1, U2, U3 है, ऐसे सो ऑन कर देते हैं यहाँ पे सारी चीजें, और अगर हम अगर इनका सम देखें U1, तो अगर इस U1 के सम को हम S1 से लिखें और इस सम को यहाँ पे लिखें S2 से, और U1, U2, U3 का अगर सम को लिखें हम S3 से, तो ये जो S3, S1, S2, S3 है, ये सब क्या है, S1, S2, S3, ये क्या है, सब पार्शियल सम है, पार्शियल सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या टर्म्स, पार्शियल सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो पार्शियल सम का मतलब क्या है, जो भी आपको सब्सक्रिप्ट में लिखा रहेगा S1, दैट मीन्स पहले एलिमेंट, ठीक है, दैट मीन पहले एलिमेंट का सम, S2 का मतलब क्या है, U1 और U2 का सम, अगर S3 का मतलब पूछता है तो U1 प्लस U2 का प्लस U3 का सम, इसी तरह अगर पूछता है, अगर SN लिखा हुआ है यहाँ पे और समेशन कर देता है N इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका UN। अगर n टर्म्स का अगर सम पूछता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, U1 प्लस U2 प्लस जितने भी टर्म्स है पर्टिकुलर सीरीज का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज का सम है SN। इसी मैनर में अगर हम बात करें SN+1 में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 ऐसे कर देंगे और UN+1 वाली वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो मोन सिक्वेंस की बात हो रहा है यहाँ पे, एक सिक्वेंस, तो सिक्वेंस कैसे पता चलेगा पार्शियल सम के बेस पे, तो सीक्वेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस पता करने के लिए SN+1 और माइनस देखते हैं हम यहाँ पे SN, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स SN+1 की वैल्यू अगर SN से बड़ी है, हम उसको बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अगर उल्टा आता है, SN+1 अगर लेस देन होता है SN, तो हम बोलेंगे कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो अभी आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करिए, अगर पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो पॉजिटिव टर्म्स में, तो पॉजिटिव टर्म्स की बात हो रही है, अगर अगर SN+1 अगर वैल्यू बड़ी है तो हम उसको बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सिमिलर मैनर में अगर यहाँ पे अगर लेस देन है SN+1, तो हम बोलेंगे कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो आप इसको वीडियोस को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, और डेफिनेशन क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की क्लास में, तो देखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो पार्शियल सम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लिया हमने, और पार्शियल सम में S1 + S2, SN+1 और SN का जो कंपैरिजन करके हम बताते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई। आगे आते हैं हम यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जन सीक्वेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जन सीक्वेंस पे आते हैं। अगर हमारे पास जो पार्शियल सम है एन एलिमेंट का, ठीक है, एन एलिमेंट का जो N=1 to ∞ जो पार्शियल सम आ रहा है, अगर पार्शियल सम किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज का पार्शियल सम अगर करने पर, SN करने पर, अगर अब ये पार्शियल सम कैसे करेंगे हम, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट,
और यहाँ पे क्या कर देंगे, यूएन कर देंगे, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्या कर देंगे, यूएन वाली वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा देखो सम वाली चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। तो अभी के लिए जानो कि यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री निकालते हैं, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री सो ऑन, यहाँ से ही है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स है। अगर इसकी वैल्यू, अगर इस पूरे की वैल्यू अगर एल आती है, जो कि एक डेफिनेट नंबर है, डेफिनेट नंबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज टू एल। और ऐसे केसेस में है लिखते हैं एस एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और ये कॉची प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो एल है, या किसी किसी बुक में यहाँ पे एल ना लिखे एस लिखा हुआ है, तो दोनों चीजें एक है यहाँ पे, एस एक डेफिनेट नंबर है, तो यस के टर्म्स में भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यस हमको मेन फोकस करना है कि हाँ वो एक डेफिनेट नंबर होगा या कन्वर्ज टू अ डेफिनेट नंबर। तो अगर इनका जो पार्शियल सम आ रहा है, अगर वो डेफिनेट नंबर आ रहा है सम करने पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ वो कन्वर्ज है, ठीक है। तो जो गिवन सिक्वेंस है वो क्या है कि कन्वर्ज है, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो आगे आते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो अब ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होगा कि अब ऐसा सीरीज सीक्वेंस हो यहाँ पे एस एन लिमिट ऑफ एन एंड एस एन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, ऐसा हो कि यहाँ पे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट 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 यहाँ पे यू एन हो, और इन सब का सम करने पे आपको प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अगर आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अगर आपको मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं यहाँ पे कि कैसे आप इन सब का सम निकालोगे, अलग अलग टर्म से डिपेंड करता है उसके पास सीरीज किस टाइप से दी हुई है, ठीक है। एपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, या अदर टाइप की सीरीज है, पर्टिकुलर एक फंक्शन को फॉलो कर रही है, या यू एन के सिक्वेंस में चल रही है, वो गिवेन है, वो जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए आप कि जो अगर एस एन की वैल्यू जो सम करने पर अगर डेफिनेट आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि कन्वर्ज है, अगर प्लस माइनस इनफाइनेट आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्ज है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज डिफाइन करता है कि एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए उसका समीशन, और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज अगर ये डिफाइन करता है कि वहाँ पे जो उसका समीशन आ रहा है वो या प्लस इनफाइनिट या माइनस इनफाइनिट वाली वैल्यू आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डाइवर्जेंस है, और इसको हम क्या बोलेंगे कि वो कन्वर्ज है, या कन्वर्ज टू पर्टिकुलर नंबर हो रहा है या डेफिनेट नंबर हो रहा है। आगे आते हैं ऐसे सीरीज में, हम यहाँ पे दिया हुआ है ऑसिलेटिंग सीरीज, ठीक है। ऑसिलेटिंग सीरीज हम देखते हैं यहाँ पे, ऑसिलेटिंग सीरीज का मतलब होगा आपके पास तो एक ऐसा सीरीज, ठीक है, एक ऐसा सीरीज जो कि ना ही कन्वर्ज हो, ठीक है, तो ना ही कन्वर्ज हो और ना ही क्या हो, डाइवर्ज हो। ऐसा सीरीज जो कि ना कन्वर्ज हो ना ही डाइवर्ज हो, उन दोनों के बीच में हो, दैट मीन्स या तो इसकी वैल्यू एक डिफरेंट नंबर, ठीक है, एक प्लस एल से माइनस एल के बीच में हो ये वाली वैल्यू हो, या तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में हो। अगर ऐसे वैल्यू आ रही है बार बार वही चीज अगर आ रहा है, हम उसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज। अगर हम जैसे सपोज किए माइनस वन टू दी पावर अगर हमने एन कर दिया, एन की वैल्यू इवन और अगर रखते जाओगे तो कितना जाएगा, एक प्लस वन और माइनस वन के बीच में वैल्यू आएगी, माइनस प्लस वन माइनस वन ऐसी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ना तो इनफाइनाइट हो रहा है और ना ही क्या एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसे केसेस में हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये जो सीरीज है, जो गिवन सीरीज है, वो ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ना ही ये कन्वर्ज है और ना ही डाइवर्ज है। जैसे अगर हम साइन एक्स का अगर कर्व देखते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है साइन एक्स की, जो वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, प्लस वन से माइनस वन के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पे एंगल की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन के बीच में आ रहा है ये वैल्यू। तो ये ना ही ये पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहा है और ना ही ये डाइवर्ज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एक ऑसिलेटिंग सीरीज है। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, बेसिक टर्म्स आप समझिए और हम चैप्टर्स में एंटर करेंगे, और जो नेक्स्ट है इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीरीज हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ओके। अगर आप चैनल्स पे नए हो तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला जो न्यू वीडियो हो आपको सही टाइम पे पहुंच सके और वीडियोस देख सके आप। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।